सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं अंडर 19 एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की भिड़ंत थी कल के मैच में। तो वहां पर पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है एंड काफ़ी धमाकेदार मैच रहा होगा। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं अंडर 19 एशिया कप 2021 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की हाइलाइट्स वीडियो पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वेल प्लेड, कम ऑन, ड्रॉप 14। ये ऑफिशियल वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है, लेकिन वीडियो है हाईलाइट। एंड पार्ट चल रहा है शायद ये, क्योंकि पाकिस्तान खेला था बाद में। शाबाश, पाकिस्तानीज आर चीयरिंग। हाँ, 10 बॉल पे 14 है फॉर पाकिस्तानी टीम। 10 बॉल पे 14 रन चाहिए। ओके, यहाँ तक है मैच। कटना था पकार से। मैंने सुना आपके जीशान नाम के एक बॉलर है, उन्होंने काफी सही खेला था, मतलब बॉलिंग की थी अच्छी कल के मैच में। लेग स्टंप टाइट फील्डिंग। कमेंट्री भी हो रही है भाई। ओ यार, ये जो वीडियो बना रहे हैं मतलब बिल्कुल एंड ही चल रहा है। और ये आठ में 14, अब बोले खत्म होती जा रही है। और वेल हिट, ओ कम ऑन, चका था अंपायर पति किम गोरी, चेक कर रहे हैं क्या? चक्का है नहीं। जीशान ऑन स्ट्राइक, 6 रन पड़ गए, छक्का पड़ गया। एक ओवर यानी 6 बॉलों में, 7वीं बॉल थी, 6 बॉल में। ओके, टीम डिस्कशन चल रहा है इंडियन टीम। मिड विकेट इज वाइड, लास्ट ओवर। मारा यार कैच, कैच हो गया, कैच। सिंगल डबल से भी काम हो जाएगा, 5 में 8 चाहिए। मिस फील्डिंग की दुआएं हो रही है। बड़ा शॉट नहीं था। व्हाट अ शॉट, कम ऑन, 2-2। वेल प्लेड। गुड शॉट। 2 रन ले लिए भाई, 2 रन, 4 रन, कम ऑन। 3 में 4, 4 रन ऑफ 2 बॉल्स। Well played, 2-2.
वेल रन, कम ऑन। एक बार दो रन डबल लिया क्या? एक में ओए यार दो, एक में तीन, पूरी रणनीति पूरा उसको कोशिश करी जा रही है कि मैच को बचाया जाए, किसी तरीके से बचा लिया जाए। सुपर ओवर कुछ हाथ से निकल रहा है मैच उसको। 50 गेम्स थे अहमद और ये लास्ट बॉल यार ये बॉल कराई नहीं। इट्स अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैनशिप। कम ऑन, ये मैच जीतने की बात कर लेती खुशी जी। चौका इधर ही आया, इधर जिधर ये कैमरा लेकर बैठे हैं। ओ भाई पब्लिक एम्पायर भाग गए क्या हुआ? यस कम ऑन, दिस सेलिब्रेशन, वेल डन, वेल प्लेड। ये सब लोग सजदा कर रहे थे। वेल डन बॉयज। यार सही से दिखा दो। वेल यार, वेल प्लेड, वेल प्लेड। राइट, तो ये थे पाकिस्तान के विनिंग मूवमेंट्स, जो लास्ट में क्या क्या हुआ वो हमने देखा। इसमें लास्ट के दो ओवर्स बड़े ही ज़बरदस्त रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैच बहुत ऊपर और नीचे के लेवल पर चल रहा हो, यानी कि पाकिस्तान यहाँ और इंडिया यहाँ थी, ऐसा नहीं था। ऐसा चल रहा था 19-20 ऐसा कर चल रहा था मैच, क्योंकि लास्ट बॉल तक मैच गया है। तो सोच सकते हैं आप, वहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान जीता। यही स्पोर्ट्स है, एक को जीतना था, पाकिस्तान जीता। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड आपकी टीम को। अंडर 19 में जीत गए यार, T20 में भी जीत गए थे, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में भी जीत रहे हो, एंड अच्छा खेल रही है टीम का कॉन्फिडेंस, यू नो कि जब मेन टीम जो है, ए टीम जो है पाकिस्तान की, वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो अंडर 19 पर भी असर पड़ता है उस चीज़ का, कि वो जो है उनकी परफॉर्मेंस और उनके कॉन्फिडेंस लेवल अप होते होंगे। ऑब्वियसली आपकी टीम मेन जो है, जो लीड कर रही है आपकी कंट्री को, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर, अच्छा करते हुए देखकर, जाहिर सी बात है अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी करेंगे, जोश मिलता है कि हम भी वहाँ तक, उस लेवल तक पहुँचेंगे। सो अच्छा था लास्ट ओवर थ्रिल। और इस वीडियो को बनाने वाले भाई साहब ने काफ़ी अच्छी कमेंट्री करी है, एक एक बॉल को गिनाया, 5 में 8 रन रह गए थे, रहते कि बस कैचेस छूट जाएं, बाउंड्री छूट जाए अगले बंदे से, वो तो खेलने ही नहीं आया, ऐसा मतलब उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सपोर्ट कर रहे थे, उनकी टीम खेल रही थी, तो इतना तो बनता है पब्लिक में बैठकर कि ऐसा ही चाहें। जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा, खेल खेल होता है, और उसको दिल से खेलो, जंग की तरह खेलो, सब तरीके से खेलो, लेकिन स्पोर्ट को भूलो नहीं कि वो स्पोर्ट है। बस इस वीडियो में इतना ही, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा ये वीडियो, है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग।